बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्रों में हुए चुनाव में इस बार कई ऐसी हॉट सीट है जहां के रिजल्ट का सबको बेसब्री से इंतजार है। ऐसी सीटों में पूर्णिया भी है। ये सीट पूरे इलेक्शन में सुर्खियों में बनी रही। पप्पू यादव से जुड़ा हर एक घटनाक्रम इस चुनाव में काफी सस्पेंस भरा रहा। कई मौकों पर ऐसा लग रहा था कि इंडिया ब्लॉक से पप्पू ही पूर्णिया के प्रत्याशी होंगे। अंत अंत तक सस्पेंस बरकरार रहा। आखिर में जब आरजेडी ने बीमा भारती के नाम पर मुहर लगाई तो पप्पू यादव का गुस्सा भी सामने आया और उन्होंने आरजेडी, लालू यादव और तेजस्वी यादव पर आरोपों की छड़ी लगा दी। खैर, पूर्णिया लोकसभा सीट पर आरजेडी से बीमा भारती और निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के बीच अब कड़ी टक्कर मानी जा रही है। इस सीट से जेडीयू ने संतोष कुशवाहा को मौका दिया था। निर्दलीय उतरे पप्पू यादव किसका खेल बिगाड़ते हैं, 4 जून को रिजल्ट के बाद इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन चुनावी और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नतीजा हैरान कर देने वाला हो सकता है। पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर कहा जा रहा है कि यहां से एनडीए को नुकसान हो सकता है। जेडीयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन निर्भर इस पर भी करता है कि बीमा भारती आरजेडी का कितना वोट लेने में सफल हुई है। दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि मंडल समाज का वोट काटने में बीमा भारती ज्यादा सफल नहीं रही। कुल मिलाकर 60,000 से 70,000 वोट बीमा भारती काट सकती हैं। मुस्लिम समुदाय का वोट भी पप्पू यादव को मिला है। हालांकि सी वोटर एग्जिट पोल ने अन्य यानी निर्दलीय को भी एक भी सीट बिहार में नहीं दी है। ऐसे में ये सभी मात्र आकलन है। अब पूर्णिया की सीट पर कौन काबिज होगा ये तो 4 जून को साफ होगा। है फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। देखते रहें एबीपी लाइव।